चेकआउट टोटल सेट, चेकआउट टोटल यूज स्पेस और इनिशियली है जीरो। ये सेम टू सेम कुछ वैसा ही, जब आप बटन पे क्लिक कर रहे थे कुछ कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ। अब यहाँ पे अपने को टेबल में मैं क्या कर लिया, इसको कुछ कर लिया जो भी था, और मैंने क्या किया कि जैसे जैसे लिया इसके में सेट चेकआउट टोटल के अंदर जो मेरा चेकआउट टोटल है उसको ऐड किया किसके साथ के साथ। ठीक है यस भाई, सर। मेरी आइटम की प्राइस और क्वांटिटी एक बार चलेगा इसमें, एक बार 10,000 आएगी, 10,000 प्लस जीरो 10,000 हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम चलेगा ये हो जाएगी, कुछ तो ऐसा हो जाएगा। बॉडी के बाद एक और 3 फुट हो बना लिया मैंने, 3 फुट, 3 फुट के अंदर बेसिकली मैंने 2 रो बना ली। यार अब मेरा टोटल कितनी है, सॉरी रो भी रो तो एक ही बने कॉलम में, चार टी आर के अंदर 3 डी दे दिया, 3 डी के अंदर कॉल स्पैन लगा लिया, तो कॉल स्पैन रहने देते हैं इसके अंदर, लिखिए टोटल एक और 3 डी ले लिया, क्लास वेरी इसके ऊपर टेक्स्ट नहीं यार इसको उसी के ऊपर लगा देते, क्लास वगैरह नहीं होगी, कॉल स्पैन कर दिया मैंने। अब ये कितनों तक कॉलम बच गया यहाँ पे चेकआउट टोटल, देखते हैं जी क्या होता है। गड़बड़ हो गया, कहाँ से प्रॉब्लम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, काम करते ही इसको इधर की साइड टोटल 0 है। ठीक है क्या किया जाए, इसी चीज को मैंने यहाँ से उठाया तो थोड़ी कुछ लड़क कर ली, यहाँ पे रख दिया, मैन को तो फोन करता हूँ, सभी को पास सेंड कर दे रख दो, पास स्लॉट के अंदर रख दो जिसके अंदर भी रखना चाहो, मैन अगर उसमें लिस्टिंग का कुछ नहीं होगा और इसको भी ऐसे कर दिया। अब जी चेकआउट अंदर भी रखते हैं अभी भी, नैन नैन क्यों मिली, कंसोल लोग मार के देख, नैन तो फिर भी नहीं होगा, चेकआउट टोटल के अंदर हो गया 0, तो उनको पांच फ्लोट कर दिया की क्वांटिटी को फ्लोट कर दिया, क्वांटिटी भी हो गई सही, तो प्रॉब्लम क्या हुई। तो जा
सेम टू सेम दो दिनों पे लेट सी इक्वल टू 0 सी के अंदर सी हो जाए एंड साथ में क्या हो पास प्रिंट ऑफिस का सी डॉट क्वांटिटी का प्लस सॉरी इनटू सिंगल प्रोडक्ट आएगा रेस ऑफ डाटा ऑफ कैसे डॉट प्राइस इसका ऑटो क्लियर गलत कर रहा था ना यहाँ पे वी गेदर तो प्राइस है ही नहीं मेरी प्लीज कभी कर दिया हूँ पास बस उसके अंदर ही कहते हैं चेकआउट टोटल टोटल सेट चेकआउट अभी भी 9 दे रही है बहुत 5,000 है चलो कोई बात नहीं 5,000 को भी सो होगा तो वापस वही करते हो जो भी किया था और यहाँ पे सेट चेकआउट टोटल में क्या कर दो सी को और चेकआउट टोटल को ऐड कर दो अब देखते हैं क्या होता है 15,000 आना चाहिए गवर्नमेंट यस सर ठीक है काम कर लेते कार्ड खाली कर लेते कार्ड खाली करके थोड़ा सा और आइडिया देखते हैं क्या कुछ और गड़बड़ करनी है उड़ा दिया इसको चलते हमारे कार्ड प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट ऐड करेंगे देखते हैं और ये कर दिया बंद ऐड टू कार्ट किया चेकआउट पे चल कार्ट पे चलते हैं 3,000 आ रहा है वापिस किया जीएस हो चुका है मेरा एसपी में वो करते हैं उससे कर दिया मैंने 2 करोड़ ऐड टू कार्ड ये 2 हो गए ठीक है कार्ड करें लॉगिन ठीक है सारा लॉगिन सही है अब यस आपको सर क्या करना है जो लॉबी वाला था वो बताते ना लॉबी वाला वो करना है तो मैं टेबल के बाद आता हूँ टेबल के बाद मैंने क्या किया एक बटन बना दिया उसके बाद क्लास ले ली लेट्स पॉज बीटीएन बीटीएन इन्फो 2 बार क्यों हो गए और यहाँ पे अभी के लिए एक कंडीशन लगा दी यहीं पे यूज इफेक्ट के अंदर ही लगा देते हैं कॉन्स्ट इज लॉगिन सेट इज लॉगिन यूज स्टेट के अंदर इनिशियली गए फॉल्स की लॉगिन नहीं है अगर आपका लॉगिन है आपको क्या करना है लेट्स सपोज जैसे एडमिन का किया था मैंने कहाँ पे गया एडमिन एडमिन पैनल पे गया एस आर स्क्रीन गया और इस पर लॉगिन कहाँ पे डैशबोर्ड हो या लॉगिन गेम सर जी यही करना है ठीक है जब ये चीज मिल जाए तो हमने वहां पे तो नेविगेट करा या फिर नेविगेट नहीं करना सिर्फ उसका जो ये सेट इज लॉगिन है इसको ट्रू कर देना तो मैंने क्या कर दिया सेट
इस लॉगिन को ट्रू कर दिया। वैसे कर दिया आपको कंडीशन वाइज करना वो जो वहां पे था। और यहाँ पे अब इसको टाइप तो, और यहाँ पे कर देते हैं इस लॉगिन अगर एग्जिस्ट करता है तो आप लॉगिन हो, तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखाना और बटन के अंदर कह दिया चेक हो। अगर नहीं करते तो यहाँ पे लिख दिया मैंने लॉग इन और इसको लिख दिया चेकआउट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ इसको एक बार कमेंट ऑफ कर देता हूँ, और अभी जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ये देखो अपने आप ही ऐड हो रहे हैं, इनको सॉल्व कर देना ठीक है। दोबारा सर वो यूज दोबारा इफेक्ट इंसर्ट हो रहा है लगा कुछ के हो होगा। रहा है ये देखिए आ गया ना वो। हाँ ये डिफेक्ट हो रहा है, 2 मिनट हो रहा था।
हाँ बिल्कुल तो। ओके सर, ओके हाँ जी सर, थोड़ा सा लेट हो गया। तो आपको क्या करना है, एक तो इस चीज को सॉल्व करना जो मैंने बताई, यूज यस स्टेट के अंदर सर, लेना, सबसे पहले सॉल्व होते हैं यूज इफेक्ट के अंदर, ठीक है। और प्लस ये जो मैंने लॉजिक था ये मैंने बना दिया कि जब आप लॉग इन हो तो आपको क्या दिखाए, चेकआउट दिखाए, और जब लॉग इन नहीं था तो चेकआउट ना दिखाए। अब आप देखते हैं लास्ट एंड लिस्ट टॉपिक पे, वो आपका, क्योंकि आप एक काम करना, सुनो, आप लॉग इन वाला बना ही लेना, क्योंकि उसके आगे तो चेकआउट करना है। चेकआउट जब करूँ ना तो मेरे को ऑर्डर सेंड करना है डाटा अच्छा सर, बेस में, उसके लिए एक बना लूँ। और ठीक कुछ है नहीं, बस वो सर, होते हैं आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है। चेकआउट पे पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे में सबसे बढ़िया रहता, पहले अगर आप ट्राई करना चाहो तो देख लो हमारा कौन सा था यार। क्या नाम था रेजर पे, ये रहता है, ठीक है सर, रेजर पे को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे हम इंटीग्रेट करना है, बिल्कुल आसान से स्टेप्स है, कुछ भी मुश्किल नहीं है स्टेप्स में। ये हर कंपनी को यूज करती है, चाहे वो आपकी गूगल ओके हो, फेसबुक हो, हर कोई करता है, सर, फेस के क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। जोमेटो भी करती है इसको यूज, स्विगी भी कर रही है, तो ऑलमोस्ट हर कंपनी इसको यूज करती है। तो वही चीजें करनी चाहिए हमें जो हर कंपनी यूज कर रही है, ठीक है। तो एक बार वो कर लेना, मैं चेकआउट करना सिखा दूंगा कि आप हमें कैसे करना है, फिर ठीक है सर, उसे एक और कंपनी, और वही फिर अपनी फिनिशिंग। यस सर, तो ठीक है, फिर कर लेना।